मेरे रूम से मुझसे बिना पूछे मेरा कोई भी सामान नहीं उठा सकती। आई एम सॉरी सिसी। सिसी, क्या तुम मुझे भूलने को ऑप्शन चूज करने वाली हो? नहीं चिंकी, हम एक दूसरे से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे को माफ करेंगे, ठीक है? भूलेंगे नहीं। आई लव यू सिसी। आई लव यू टू। अब लाओ मुझे इसे वापस दो। ओ लूजर, देख कर नहीं चल सकती क्या? तुम मुझसे टकराई हो। रुको रुको, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, उसने कहा कि तुम मुझसे टकराई हो। ओ माय गॉड टीना, और इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और क्वेश्चन क्या था? कभी आने की कोशिश भी मत करना और मैं तुमसे नहीं टकराऊंगी, क्या तुम्हें समझ आया? हाँ समझ गई। बेब, तुम मानोगे नहीं, आई एम सॉरी, पर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हाँ, जोक्स बाद में, तुम्हें पता है आयशा ने। देखो, मैं रूड साउंड नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझ रही हो। रोहन, ये मैं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और तो और मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। अगर ये मुझे भूल गया है तो इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ किया है और इसने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि ये मुझे भूल गया। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा खुद का बॉयफ्रेंड मुझे भूल गया है। मैं उसे हमेशा याद रखना चाहती हूँ। ईशा, आज मेरी बर्थडे इसकी हिस्ट्री में से सबसे बुरा दिन है। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये जोक आज के लिए फनी नहीं है ईशा। क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? क्या मुझे पता होना चाहिए कि तुम कौन हो? मेरे ख्याल से हाँ। क्या तुम भूल गए जब तुम्हें कुत्ते के काटने से रैबिस हुआ था तो तुम्हारे साथ कौन था? जब पूरी क्लास में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता था तब मैं तुम्हारे साथ बैठती थी। और तो और, तुम्हारे पेट स्टुअर्ट लेटर को CPR किसने दिया था जब वो सांस नहीं ले पा रहा था? मैंने, वो भी 12 घंटों के लिए। आई एम सॉरी, पर मुझे सच में नहीं पता कि तुम कौन हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी दोस्त हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन सब ने मुझे भूलने का ऑप्शन क्यों चूज किया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं घर आ गई। ओ हाय चिंकी, तो कैसा रहा तुम्हारा आज? क्या क्या हुआ? स्ट्रेंजर डेंजर। चिंकी, मैं हूँ तुम्हारी बहन मिंकी। नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। चिंकी, तुम्हें मुझे याद करना ही होगा, हमारा रूल है ऑलवेज फॉरगिव नेवर फॉरगेट। क्या तुम्हें याद आया? नहीं, मुझसे दूर हट जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मुझे भूल क्यों गए हैं। अगर मैं भी उसे भूल जाती हूँ तो एटलीस्ट मैं इसे सैड फील नहीं करूंगी। अलर्ट, हम तुम्हें ये बताना चाहेंगे कि सिस्टम में एक ग्लिच हुआ है। वो लोग जो तुम्हें कभी नहीं भूल सकते वो तुम्हें भूल चुके हैं, पर अब हमने इस इशू को सॉल्व कर दिया है और हम माफी चाहेंगे। इसका मतलब है कि वो लोग मुझे भूले नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि अभी जो मैंने फॉरगेट वाला ऑप्शन चूज किया उसका भी कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट? अफसोस, कोई भी बनाया हुआ डिसीजन कैंसिल नहीं हो सकता। सीसी, तुम स्कूल से घर कब आई और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कौन हो? सीसी, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ चिंकी। मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, तुम्हारी एक बहन है जो कि हूँ मैं। Always forgive, never forget, क्या तुम्हें ये याद है? मम्मी, सीसी मुझे भूल गई। क्या तुम सच में अपनी खुद की बहन को भूल गई हो? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि कल सिस्टम में एक ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से लोग मुझे भूल रहे थे, और हो सकता है कि वही सेम चीज आज हो रही हो। मुझे इसे भूलने के बारे में कुछ भी नहीं याद है, पर मुझे ये भी नहीं याद। मिंकी, रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या तुम कल यहाँ नहीं थी? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं याद है कि कल मैंने तुम्हें देखा था या नहीं। लॉन्ग स्टोरी, पर सुनो, मुझे तुम्हारे आंटी का एड्रेस चाहिए। आंटी का एड्रेस? कौन सी आंटी? वही जो लोगों की भूली हुई याददाश्त को वापस लाती है। मिंकी, तुम्हें पता है ना कि वो बस एक होकस पोकस ट्रिक है, वो सच में काम नहीं करती। इसे काम करना ही होगा, वो मेरी आखिरी उम्मीद है। क्यों, आखिर तुम किसको भूल गई हो? मैं अपनी छोटी बहन को भूल गई हूँ। ओ माय गॉड, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, और तो और मुझे उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं याद है। और उसे पता चल गया कि वो मुझे याद नहीं है, और उसे ऐसे हालात में देखने के बाद मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकती। अगर वो सच में मेरी बहन है तो मुझे उसे याद करना ही होगा, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। ये रहा मेरी आंटी का एड्रेस, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने इस मामले में किसी की भी हेल्प की है। इसमें उनका हाउस नंबर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच रहती है। तुम बस वहाँ जाना और जोर से चिल्लाना चिंगालाला हो, और वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगी। थैंक यू सो मच। चिंगालाला हो ओ चिंगालाला, तुम मेरी शांति भंग कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे अपनी खोई हुई याददाश्त को वापस लाने में आपकी हेल्प चाहिए। ओ, तो तुम किसी ऐसे इंसान को भूल गई हो जिसे भूलने का तुम्हें बहुत पछतावा है। लेट मी गेस कि तुम किसे भूली हो? अपने लवर को? तो अपने पेरेंट्स को?
या फिर अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, अपनी छोटी बहन को। ओह नो बेचारी, पर उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या उसने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा मेकअप यूज कर लिया? मुझे नहीं पता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं याद है। वेल, तुम लकी हो कि ये सिर्फ एक ही इंसान की बात है, इसलिए तुम्हारी भूली हुई मेमोरीज को वापस लाने के लिए जो उपाय करने होंगे उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहती हूँ कि ऐसा मुफ्त में नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी भूली हुई याददाश्त को वापस लाने के लिए भारी दाम चुकाना होगा। और वो दाम क्या है? किसी भी भूले हुए चेहरे को वापस लाने के बदले में तुम्हें किसी और का चेहरा बोलना होगा। कालिया। कौन? काका कालिया, वो मेरी इंग्लिश क्लास में मेरे साथ बैठते हैं और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर मैं उसे भूल जाऊँ तो। बेचारा कालिया। खैर, कालिया की अच्छी किस्मत से ये ऐसे काम नहीं करता, तुम्हें अपने किसी क्लोज इंसान को भूलना होगा और अब तुम्हें तुम्हारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। मैं अपनी मॉम को भूल जाऊँ या अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को? नहीं, मैं किसी और को नहीं भूलना चाहती जो मुझसे क्लोज हो। फिर मुझे लगता है कि तुम अपनी छोटी बहन को वापस याद करने के लिए इतनी भी डेस्परेट नहीं हो। चलो अब मुझे अकेला छोड़ दो अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो। जल्दी बोलो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे अपनी बहन को याद करना है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ मुझे किसी और अपने को ना भूलना पड़े? तो मेन कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जब मन करे तुम इन रोल्स को चेंज कर सकते हो? तुम लोगों को यही लगता है कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए और कोई ऐसा ऑप्शन जो तुम्हें पसंद हो वो यहाँ पे बस प्रकट हो जाना चाहिए। चाहती तो मैं यही हूँ। सॉरी डियर, पर लाइफ के चॉइसेस इतने आसान नहीं होते जैसे कि तुम्हारे पास अभी एक है। या तो अब तुम अपनी बहन को भूलकर आगे बढ़ो या तो इनमें से किसी एक को दांव पर लगाकर अपनी बहन को वापस याद करो। पर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इसके लिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है। ठीक है, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। फाइनली, तो अब हम उस इंसान के चेहरे को वापस याद करेंगे और यहाँ से एक चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। मुझे मेरी सिस्टर याद आ गई और वो सब जो उसके साथ हुआ था। थैंक यू चिंगा लाला। चिंगा लाला? आ चिंकी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। क्या मैं तुम्हें याद हूँ मिंकी? हाँ तो मुझे याद हो। पर ये तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानती कि तुम सच बोल रही हो। तो तुम मुझसे कुछ पूछ कर देख लो। तो बताओ, दो दिन पहले मैंने तुम्हारे रूम से कौन सा जानवर चुराया था? वो कोई जानवर नहीं था, पर क्या वो ये थी? मतलब मैं तुम्हें सच में याद हूँ, ये मेरी सिसी मुझे नहीं भूली। अरे वाह, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग फिर से एक हो गए। मॉम। हाँ बेटा। क्या हुआ मिंकी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपको किसी वजह से याद नहीं रखना चाहिए था। ओह माय गॉड मिंकी, क्या तुम्हें ऐसा कहते हुए अजीब नहीं लगा? खैर तुम दोनों फ्रेश हो जाओ क्योंकि आज तुम दोनों का फेवरेट डिनर बना है। चलो। रिया, भले ही तुम्हारी आंटी थोड़ी खड़ूस टाइप की थी पर उन्होंने जो भी किया वो काम कर गया। क्या सच में? हाँ, अब मुझे चिंकी और चिंकी की सारी बातें बहुत अच्छे से याद है। पर मुझे चिंकी की जगह पे किसी और को भूलना था, पर किसे वो मुझे याद नहीं। वेल, अगर तुम खुश तो मैं खुश। गर्ल्स, तुरंत अपनी अपनी क्लास में जाओ। ये कौन थी? प्रिंसिपल रोजी। और कौन? कम ऑन मिंकी, बचपन से लेके आज तक हमें उनकी मोटी तौंद और धुंधली शक्ल देखनी पड़ती है और तुम्हें वो याद नहीं है? मुझे सच में नहीं याद है। ओफो मिंकी, मजाक बाद में, फिलहाल हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, चलो। गाइस, क्या आपको पता चला कि मुझे मेरे प्रिंसिपल क्यों नहीं याद? हैप्पी बर्थडे मिंकी बेटा, सॉरी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ला सकूं। कोई बात नहीं मॉम, मैं अपने विशेस में से एक विश को यूज कर लेती हूँ। नहीं मिंकी, अपने विशेस को वेस्ट मत करो, तुम्हें फ्यूचर में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आई विश मेरी मॉम बहुत ज्यादा रिच हो जाए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। थैंक यू सो मच बेटा, चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट लेते हैं। सॉरी लूजर, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई विश मैं स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाऊँ। कहा मिंकी, आज तुम कितनी प्रीटी लग रही हो। हे मिंकी, तुम यहाँ हमारे साथ आके लंच क्यों नहीं करती? मिंकी तुमने क्या किया है? स्टूडेंट दे रहे तुम लोगों के रिजल्ट। सर आपने मुझे एग्जाम में एफ क्यों दिया है? मैंने सारी रात जाकर पढ़ाई की थी। वेल नेक्स्ट टाइम थोड़ा और पढ़ाई कर लेना मिंकी, पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को लगता है कि वो सारा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आई विश मेरे टीचर मुझे मेरे सारे एग्जाम में ए प्लस ही दे। आई एम सॉरी मिंकी, तुम्हारा पेपर चेक करने में मुझसे गलती हो गई, लाओ मैं उसे फिक्स कर देता हूँ। अभी भी दो विश बाकी है। आई विश जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे वो हमेशा रिच, हेल्दी और सेफ रहे। मिंकी तुमने अपने सारे विशेस को वेस्ट कर दिया। डोंट वरी मॉम, मैं अपनी लास्ट विश को यूज करके अपने लिए अनलिमिटेड विश मांग सकती हूँ। आई विश मेरे पास अनलिमिटेड विश। मिंकी रुक जाओ, ये तुमने क्या किया? प्लीज मुझे रेड हार्ट ही मिलाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे रेड हार्ट मिल गया, इसका मतलब मैं प्रिंस के सोलमेट हूँ। मॉम गेस व्हाट, ओह माय गॉड मिंकी, क्या ये वही रेड हार्ट है? हाँ, जिसका मतलब है कि मैं प्रिंस के सोलमेट हूँ। मिंकी बेटा तुम्हें पता है ना कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि अब हमारी पूरी लाइफ सेट है। मिंकी तुम जल्दी से जाके पैलेस में इसकी रिपोर्ट करो, पर उससे पहले किसी को भी इसके बारे में मत बताना। रिया
मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ विंकी बोलो ना। देखो मैं इसके बारे में किसी को बता तो नहीं सकती, पर मैं तुम्हें बताऊंगी क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ विंकी अब बता भी दो। मुझे रेड मार्क मिला है, मैं प्रिंस के सोलमेट हूँ। ओह माय गॉड विंकी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सुना है कि जो भी प्रिंस की सोलमेट होगी उसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, तुम गायब हो जाओगी विंकी। ओह माय गॉड रिया, मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं था। तुम्हें जल्दी से इसे छिपाना होगा, किसी को पता नहीं चल सकता कि तुम्हें ये मार्क मिला है। ठीक है मैं इसे कवर करती हूँ, थैंक्स रिया। हे विंकी क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी? कैसी न्यूज़? रिया प्रिंस से मिलने जा रही है क्योंकि उसे वही मार्क मिला है जो प्रिंस के सोलमेट को मिलना चाहिए, एक रेड हार्ट। क्या? पर ये तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है पर क्यों? क्योंकि वो रेड हार्ट मुझे मिला है। क्या मैं अपने सोलमेट को खुद से बना सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। 1,00,000 जेम्स, यस। शॉर्ट सोलमेट के लिए 10 जेम्स और टॉल सोलमेट के लिए 20 जेम्स। भले ही दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर मेरा सोलमेट तो टॉल ही होना चाहिए। रिया तुम्हें पता है मुझे अपने सोलमेट को बनाने के लिए 1,00,000 जेम्स मिले हैं। वाओ मिंकी, इसका मतलब तो यह है कि तुम अपने सोलमेट के लिए सारे अच्छे ऑप्शन चूज कर सकती हो। हाँ, तुम देखना मेरा सोलमेट करोड़ों में एक होगा। सीरियस सोलमेट के लिए 50 जेम्स और फनी सोलमेट के लिए 100 जेम्स। मैं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट हमेशा खुद भी हंसता रहे और मुझे भी हंसाता रहे। लेजी सोलमेट के लिए 0 जेम्स और हार्ड वर्किंग सोलमेट के लिए 1,000 जेम्स। ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग। ब्राउन आइस के लिए 2,000 जेम्स और ग्रीन आइस के लिए 5,000 जेम्स। उफ ये महंगाई। मुझे पता चल गया, सारे अच्छे ऑप्शन हमेशा राइट साइड पर ही होते हैं। डंब या स्मार्ट,